press the bell icon for latest videos. Hello guys and welcome to our channel ACG Apna Career Guru. मैं दिशा अवस्थी आप सबकी मेंटोर करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ आज आपके लिए. आई होप आप लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाएं सेशन के अंदर और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके. जो भी लोग वेट कर रहे थे मनोज शर्मा देवसा के साथ साथ और भी जो लोग वेट कर रहे थे लाइव स्टार्ट शुरू होने का लाइव चैट हमारी, तो अब शुरुआत हो गई है हमारे सेशन की. सॉरी आपको वेट करना पड़ा थोड़ा सा. चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन की जिसके अंदर हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. दो तीन दिन का गैप हो गया उसकी भी हम लोग सारी करंट अफेयर्स आज लेकर आए हैं. जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या रिसेंट हैपनिंग्स हुई है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आज हम वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे यहाँ पर. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के लाइव सेशन की. इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ में. चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम अपने कोट से यानी थॉट ऑफ द डे की. तो आपके सामने कोट दिख रहा है आपको जो कि इस प्रकार है कि शिक्षा की जड़ जो है वो कड़वी है पर उसके जो फल हैं यानी जो रिजल्ट है वो मीठा है. फ्रूट जो उसका मिलता है आपको एंड में रिजल्ट, एंड रिजल्ट हमेशा क्या होता है? मीठा होता है. यानी जो आपको चाहिए अपनी जिंदगी से, जो आपका उद्देश्य है वो जब आपको मिलेगा तो वो काफ़ी अच्छा होगा. लेकिन जो स्ट्रगल है, रास्ता जो है वो काफ़ी कठिनाइयों भरा होता ही है. आसानी से हमें कुछ नहीं मिलेगा. ओके थैंक यू सो मच देवसा फॉर रिक्वेस्टिंग योर फ्रेंड्स. बिल्कुल आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं इस वीडियो का लिंक ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे ज्वाइन कर सकें और करंट जो हमारा अफेयर्स हैं करंट अफेयर्स उसको डिस्कस कर सकें. चलिए शुरू करते हैं हम आज के पहले क्वेश्चन के साथ में. आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है. मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा इसका अगर आपको इसके बारे में आइडिया है तो. ठीक है, डिफेंस रिलेटेड एक अच्छा क्वेश्चन है. डिफेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है, साथ ही साथ बैंक और इसी के साथ साथ SSC के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गुड इवनिंग टू एवरीबडी. जो भी लोग ज्वाइन हो रहे हैं सबको गुड इवनिंग. तो आपके सामने पहला क्वेश्चन इस प्रकार है. CISF के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है आपसे के द्वारा किस हवाई अड्डे की सुरक्षा का जिम्मा यानी सिक्योरिटी का जो जिम्मा है वो CISF के अंडर आ गया है. इनमें से कौन से एयरपोर्ट का, एयरपोर्ट यानी हवाई अड्डे की यहाँ पर बात हो रही है. ठीक है, जयपुर, कोलकाता, चेन्नई या फिर जम्मू, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा हवाई अड्डा है यानी एयरपोर्ट है जिसकी जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो अब CISF के अंडर आ जाएगा. CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अब इसका जिम्मा संभालेगी. डी ऑप्शन बता रहे हैं कछवा विकास. तो विकास ने आंसर बताया कि जम्मू आंसर है. तो और अगर किसी को आंसर पता है इसके बारे में तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. विकास के द्वारा आंसर आ गया है जम्मू. तो क्वेश्चन हमारे सामने है CISF ने जिम्मा उठाया है एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभालने का जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स. ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जम्मू बिल्कुल सही आंसर है. जम्मू एयरपोर्ट जो है अब से उसका जो सिक्योरिटी का जिम्मा है वो CISF के अंडर आ जाएगा. CISF इससे पहले उसका जिम्मा नहीं उठाया था सिक्योरिटी के लिए. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है अब से वो जम्मू एयरपोर्ट का जिम्मा भी संभालेगी यानी जम्मू की एयरपोर्ट की जो सिक्योरिटी है वो अब से CISF के अंडर लाए करेगी. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया. अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, CISF के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. CISF क्या है? मैंने आपको बताया अभी कि ओके जो भी नए, जी हाँ बिल्कुल सही आंसर दिया है विशाल पंचारिया, बिल्कुल सही बता रहे हैं. बिराई हेलो, उसी के साथ साथ देवसा ने भी बताया जम्मू. तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स की बात हो रही है यहाँ पे. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स आपको लोगो भी दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ पर लोगो भी है. तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स इसका जिम्मा जो है अब संभाल लेगी. जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे विशाल पंचारिया. होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है CISF जिसके होम मिनिस्ट्री के जो मिनिस्टर हैं वो अमित शाह हैं. हमें पता है इसके बारे में. कब इसकी फॉर्मेशन रखी गई थी यानी इसका जो सबसे पहले सेटअप रखा गया था वो रखा गया था 10 मार्च को रखा गया था 1969 के अंदर इसकी जो है स्थापना पहली बार रखी गई थी. लेकिन फिर बाद में 15 जून 1983 को इसको एक्ट के द्वारा जो है लागू कर दिया गया था
जिसके द्वारा ये माना गया है, मतलब ये लागू कर दिया गया है कि CAPF यानी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का एक हिस्सा कर दिया गया है CISF को। जो भी लोग डिफेंस एस्पिरेंट है यहाँ पर, जो डिफेंस के एग्जाम दे रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग, सही डेट्स बता रहे हैं देवसा और विशाल पंचारिया, उनको ये चीज़ पता होगी कि CAPF का एक एग्जाम भी होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स का। मेनली ये मोस्टली अगस्त के अंदर कंडक्ट किया जाता है, तो जो लोग इसको एग्जाम को फाइट करते हैं, साल में एक बार ही आती है इसकी वैकेंसीज, उनको पता होगा कि CAPF जो है उसके अंदर काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, जैसे कि BSF हो गई, इसी के साथ साथ और भी काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो CAPF के थ्रू जिनके अंदर रिक्रूटमेंट होता है, तो उसी का एक हिस्सा CISF भी है, जिसके अंदर अगर आपको रिक्रूटमेंट करवाना है तो CAPF का एग्जाम फाइट करना होगा। असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर CAPF के थ्रू वैकेंसीज आती है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में। तो 10 मार्च 1969, लेकिन बेसिकली एक्ट के थ्रू इसको पारित कर दिया गया था 15 जून 1983 को। तो ये दो इंपॉर्टेंट डेट्स इसके बारे में, CAPF का ये एक पार्ट है जैसा कि मैंने बताया। मोटो आपको इसका स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है कि प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी, संरक्षण एवं सुरक्षा इसका मोटो है CISF, क्योंकि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एयरपोर्ट्स को। सिर्फ एयरपोर्ट्स नहीं, इसके साथ साथ ये काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस प्राइवेट सेक्टर के अंदर, जो ऑयल रिफाइनरीज या इसके साथ साथ जो भी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अहमियता है, वहाँ पर CISF जो है उसको डिप्लॉय किया जाता है ताकि वो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके। तो इस सेक्टर के अंदर प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर के अंदर भी इसको रिक्रूट किया जाता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना मेनली इसका काम है CISF का, ठीक है। इसके बारे में बात कर ली, अमित शाह इन्होंने बता दिया, विशाल पंचारिया ने, कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, अमित शाह उसके मिनिस्टर है। इस हेडक्वार्टर की बात करें तो कैपिटल सिटी जो हमारी न्यू दिल्ली, वहां पर इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है, ठीक है। डायरेक्टर जनरल अगर किसी को पता है CISF के कौन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं जी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, हेडक्वार्टर दिल्ली, बिल्कुल सही बताया SSTECH, नो, और बिल्कुल सही देवसा ने इसका आंसर बता दिया क्वेश्चन पुटअप करने से पहले ही, कि उप महानिरीक्षक यानी इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं, ठीक है, महानिरीक्षक बता रहे हैं, ये दिग्विजय कुमार सिंह है। मैं पूछ रही हूँ यहाँ पर कि डायरेक्टर जनरल कौन है, जल्दी से मुझे बताइए इस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है, जो कि इसके एजेंसी एग्जीक्यूटिव हैं, वो कौन है, क्या नाम है उनका, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि जम्मू कश्मीर के एड ऑन होने के बाद में अब पूरे इंडिया में टोटल 63 एयरपोर्ट्स हैं जो कि CISF के अंडर अब आ गए हैं, यानी इन टोटल 63 एयरपोर्ट्स के ऊपर जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का जिम्मा है वो किसका है, CISF जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जिम्मा है, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का जिम्मा है। बिल्कुल सही बताया है राजेश रंजन ने कि डायरेक्टर जनरल है इसके राजेश रंजन, बिल्कुल सही, भल्लाराम और विकास ने सही आंसर दिया है, राजेश रंजन। डायरेक्टर जनरल की अगर हम बात करें तो वो है राजेश रंजन, बिल्कुल सही आंसर दिया आप लोगों ने। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं उनके जो हेड हैं वो और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये मैंने बताया आपको कि टोटल 63 एयरपोर्ट्स जो हैं, जी बिल्कुल सही, देवसा और भल्लाराम और विकास ने सही आंसर बताया है, 63 एयरपोर्ट्स जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी इन 63 एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटी का जो काम है वो CISF के अंडर होगा। इस क्वेश्चन के बारे में जितनी डिटेल थी हमने कवर कर ली, अब हम चलेंगे डायरेक्ट सीधे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको, जल्दी से बताइए कि जन औषधि दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, यानी कि जेनेटिक जो जेनेरिक मेडिसिन होती है उनके लिए ये बेसिकली डे जो है वो डिप्लॉय किया गया है, कि ये जो डे है उस दिन हम लोग जेनेरिक मेडिसिन के ऊपर ये दिन को यानी डेडिकेट करेंगे, दिवस को डेडिकेट करेंगे, जिसका नाम है जन औषधि दिवस। जेनेरिक मेडिसिन जो होती है जो काफ़ी सस्ती भी होती है, चीप होती है ब्रांडेड मेडिसिन से, और जो है इंडिया के अंदर ही बनाई जाती है और हर्बली इसको जो है बनाया जाता है, तो इस वजह से इसको नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था, जो हमारे PM है उनके द्वारा इस स्कीम को लाया गया था, इस दिन को डेडिकेट किया था। कौन सा वो डे है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, चार ऑप्शन है 7, 8, 9 या फिर 10 मार्च, इनमें से किस दिन हम लोग मनाते हैं जन औषधि दिवस यानी जेनेरिक मेडिसिन डे। जेनेरिक मेडिसिन डे जो है वो किस दिन मनाते हैं हम, इसमें से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। बिल्कुल सही, दो आंसर आ चुके हैं, विकास और भल्लाराम के आंसर आ गए हैं कि 7 मार्च को हम लोग मनाते हैं, बिल्कुल सही, जेनेरिक मेडिसिन डे यानी जन औषधि दिवस
जेनेरिक मेडिसिन इस दिन बनाई मतलब उसको डेडिकेट करते हैं, इस मेडिसिन का उपयोग जो है उसको बढ़ाने के लिए, जो लोग हैं जिनको फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, जो ब्रांडेड मेडिसिन को इस्तेमाल में नहीं कर सकते, उनको अफोर्ड नहीं कर सकते, बेसिकली उनके लिए जो है नरेंद्र मोदी ने स्कीम जो है वो लॉन्च की थी कि जेनेरिक मेडिसिन को बढ़ावा दिया जाएगा। 2019 से हम लोग ये दिवस जो है उसको मना रहे हैं 2019, लेकिन इसकी घोषणा जो हुई थी वो नरेंद्र मोदी के द्वारा 2015 के अंदर ही कर दी गई थी, लेकिन इसको हम लोग 2019 से इस दिन को मना रहे हैं। जेनेरिक मेडिसिन का उपयोग जो है उसको कंसिडरेशन में लाने के लिए 2015 में ही अनाउंसमेंट कर दी थी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा, लेकिन दिवस एज पर जो हम डेडिकेट कर रहे हैं वो 2019 से इसका ट्रेंड शुरू हुआ है। बिल्कुल सही आंसर दिया विशाल पंचार्य और देवसा और भल्लाराम और विकास ने, 7 मार्च ए करेक्ट ऑप्शन। ये भी हमें याद रखना है, डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और मुश्किल होती है याद करने के लिए, तो इसीलिए हम लोग अगर डे टू डे उसके बारे में पढ़ते रहेंगे, एक साथ अगर साल भर की जीके आप पढ़ेंगे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है डेट्स को याद रखना, लेकिन अगर आप सेशन वाइज हर दिन की जीके अगर आप कवर कर रहे हैं वीडियो सेशन के थ्रू, तो आपको वो स्ट्राइक हो जाएगी सीधे एग्जाम में कि हाँ ये इस टाइम मैंने पढ़ा था इसके बारे में। तो डेट्स याद करने का ईजी तरीका है कि रोज़ ही करंट अफेयर्स रोज़ ही हम लोग डिस्कस करें, जैसा कि हम लोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही, आप ऐसे ही बने रहिए कमेंट सेक्शन में मेरे साथ, और दोस्तों को भी शेयर कीजिए ये लाइव सेशन। ठीक है, हमने डिस्कस कर लिया 7 तारीख सही आंसर था, 7 मार्च को मनाते हैं हम लोग जेनेटिक यानी जेनेरिक मेडिसिन डे। उसी के साथ साथ ये जो दिवस है हम लोग मनाते हैं भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत ये दिवस मनाया जाता है 7 मार्च को। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीजें कवर हो गई है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड गुड इवनिंग पुष्पा कवर, वेलकम टू दी सेशन, लाइव सेशन। अब आगे आपके सामने थर्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, काफी इंपॉर्टेंट ये न्यूज है, ये जाना हमारे लिए काफी जरूरी है, क्योंकि ये जो हलचल हुई है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर ये काफी ज्यादा ड्रास्टिक हुई है, यानी जो फ्लक्चुएशन आई है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर काफी ज्यादा भारी तादाद में आई है, इस वजह से इसको हमने न्यूज़ में शामिल किया है, वरना आपसे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएट होते रहते, पूछे नहीं जाते, लेकिन ये लाइफ टाइम मतलब आज तक की हाईएस्ट जो है फ्लक्चुएशन हुई है ये फॉरेन एक्सचेंज में, इसलिए हमने इसको न्यूज़ में डाला है, करंट सेक्शन में डाला है। हाल ही में भारत की फॉरेन एक्सचेंज की बात करिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करिए यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर, जो कि होता है फॉरेन करेंसी जो है वो भारत के अंदर कितनी है, उसी के साथ साथ गोल्ड जो है गोल्ड रिजर्व वो भी इसके अंडर आता है, 4 चीज़ें इन टोटल होती है जो इसके अंडर आती है, आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर ये पढ़ने में मिल जाएगा, इसके बारे में काफ़ी बड़ा ब्रॉड टॉपिक होगा। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हो गया है भारत का ये हमसे पूछा जा रहा है, उसी के साथ साथ भारत की रैंकिंग क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। गणपत लाल गुड इवनिंग, वेलकम टू दी सेशन। उसी के साथ साथ मुझे जल्दी से बताइए कि भारत कौन सी रैंकिंग में है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। आंसर आपके सामने है, 4 ऑप्शन है, इनमें से एक हमारा करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताइए। $381.54 billion फॉरेन एक्सचेंज पूछा जा रहा है यहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या फिर $481.54 billion या $251.54 या $451.54 billion। ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है 381, गणपत लाल बोल रहे हैं 381, ठीक है 381 ए जो है वो गलत ऑप्शन हो गया गणपत लाल, सॉरी बट ये नहीं है। पुष्पा कवर ने जो आंसर बताया है वो भी मुझे जो है, आपने क्या बताया 251 यानी सी ऑप्शन, नहीं ये भी नहीं है। ठीक है, 2 ऑप्शन बचे आपके सामने, उसमें से देवसा बता रहे हैं कि 451.54, तो ये भी गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन सिर्फ एक ने बताया है जिनका नाम है भल्लाराम जी, भल्लाराम ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि $481.54 billion जो है अभी एट प्रेजेंट हमारा फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स रिजर्व भी बोलते हैं इसको, फॉरेक्स रिजर्व एट प्रेजेंट हमारा हो गया 481.54 यूएस डॉलर है, ये यूएस बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पर, और पहले कितना था वो भी मैं आपको बताऊंगी, इतना फ्लक्चुएशन आ गया एकदम से हमारे रिजर्व के अंदर। जी बिल्कुल सही, ऑलिव डैश ने भी बताया बी ऑप्शन सही है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि मुझे ये बताइए आप सबसे पहले इंडिया की रैंकिंग जो है वो फॉरेन एक्सचेंज में कौन सी है, जी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि रैंक क्या है इंडिया की, इंडिया जो कंट्री है हमारी उसकी क्या रैंक है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की रैंकिंग के अंदर, अगर किसी को इसका आइडिया है तो बताइए, वरना मैं बताऊंगी। तो मैं पहले आपको बता दूं कि $5.42 billion जो है वो हमारा था पहले, $1 billion, $5.42 billion था, जिससे अब ट्रिमेंडस इंक्रीज होके ये कितना हो गया 481.54, जैसा कि स्क्रीन पे ऊपर आपको दिखा था,
कि हाइट के ऊपर जो है ये लाइफ टाइम हाइट है इसकी, यानी आज तक की सबसे ऊंची जो है जो रेंज है इसकी पहुंची है वो यही पहुंची है आज तक की लाइफ की फॉरेन एक्सचेंज की। इस वजह से ये इंपॉर्टेंट था, ये डेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ये फ्लक्चुएट होते रहते हैं नो डाउट, क्वेश्चन बनना मुश्किल है लेकिन हमें जानना जरूरी है। जी पुष्पा कवर बता रही है 8th, कच्छ विकास ने बताया 3rd, तो 3rd नहीं है। विपुल पंचारे ने बताया 6th भी नहीं है। भल्लाराम और पुष्पा कवर का आंसर बिल्कुल सही है कि 8th रैंक के ऊपर अभी एट प्रेजेंट जो है इंडिया है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। 8th रैंक जो है वो इंडिया की है। मुझे फर्स्ट रैंक बताइए, फर्स्ट रैंक किसकी है? फर्स्ट रैंक भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिए। 8th हमें पता है इंडिया की है लेकिन फर्स्ट भी हमें पता होनी चाहिए कि फर्स्ट रैंक कौन सी कंट्री होल्ड करती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो कौन सी कंट्री के साथ में है, मुझे वो बताइए किस कंट्री के पास में है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइएगा। हमने कितना यूएस डॉलर जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज वो हमने डिस्कस कर लिया और आपको देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर कि 4.52, यानी आप इमेजिन करिए 4.52 बिलियन डॉलर से डायरेक्ट वो है 481.54 बिलियन डॉलर पे पहुंच गया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है इसके अंदर, तो इसलिए लाइफ टाइम हाइट इसको बोला जा रहा है और काफ़ी बड़ी उपलब्धि है मुझे। ओके अमेरिका, भल्लाराम ने बताया अमेरिका जो है वो गलत ऑप्शन है। मैं बता दूँ अमेरिका नहीं है पहली रैंक पे, पहली रैंक पे कोई दूसरी कंट्री है। SS टेक्नो बोल रहे हैं चाइना। जी विकास ने भी बोला है चाइना, दो तीन और लोग बताएंगे चीन। रूपाराम ने बोला है चीन, इसी के साथ साथ पुष्पा कवर ने भी बोला है चाइना, तो बिल्कुल सही ऑप्शन है ये चाइना, बिल्कुल सही आंसर है। बिराई ने भी बोला है चाइना, चाइना इज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट रैंक पर जो है वो है चाइना। अभी सिर्फ और सिर्फ चाइना से रिलेट कर रहे हैं लोग कोरोना वायरस से, कोरोना क्योंकि वहां से इसकी शुरुआत हुई थी वुहान सिटी से, इस वजह से लोग चाइना दिमाग में आते हैं, कोरोना वायरस दिमाग में आ जाता है, बट ऐसा नहीं है। चाइना काफ़ी चीज़ों में बहुत आगे है दूसरी कंट्रीज से आगे, इसी में फर्स्ट रैंक के अंदर अगर हम देखें किसी चीज़ में तो फॉरेन एक्सचेंज में भी फर्स्ट रैंक पर चाइना है। ठीक है, जैसा मैंने कहा विकास ने लिख भी दिया यहाँ पे कोरोना वायरस वाला देश। जी नहीं, इसी के साथ साथ वो रैंकिंग के अंदर भी काफ़ी आगे है, काफ़ी सारी रैंकिंग्स में हमसे ऊपर है नो डाउट, बहुत सारी इवन ऑलमोस्ट सब रैंकिंग में इंडिया से ऊपर लाइक करता है। इंडिया 8th पे है और चाइना फर्स्ट रैंक पे है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। तो ये इससे रिलेटेड थोड़ी सी न्यूज़ हमने डिस्कस करी। इसी के साथ साथ मैंने जैसा आपको बताया कि फॉरेन एक्सचेंज के अंदर चार चीज़ें आती हैं रिजर्व के अंदर, ना सिर्फ करेंसी की बात नहीं होती यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट्स की बात नहीं होती, इसी के साथ साथ गोल्ड जो है वो भी। विशाल पंचारे बोल रहे चाइना का माल, ठीक है आप लोग, अब कोरोना वायरस मैंने गलती से बोल दिया, मेरे मुंह से निकल गया, तो अब इसी का डिस्कशन मुझे लगता है यहाँ पर फैलता रहेगा, यहाँ पर चलता रहेगा। ओके सब अपने अपने कमेंट दे रहे हैं वायरस के ऊपर और चाइना के ऊपर। हम लोग थोड़ी सी इसकी बात करेंगे, फॉरेन रिजर्व की बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन करेंसी एसेट के साथ साथ इसमें तीन और चीज़ें हैं जो कि है गोल्ड। जी हाँ, गोल्ड रिजर्व जो है वो भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर अपना पार्ट जो है इंक्लूड करते हैं। उसी के साथ साथ स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन जो होती है, ये दो चीज़ें और है जो कि आपको इकोनॉमिक्स सेक्शन के अंदर कम्प्लीटली कवर की जाएंगी, ये भी जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर इंक्लूडेड होती है। और जैसे कि मैंने आपको बताया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है तो ये मनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड है, तो कौन इसको गवर्न करेगा मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि गवर्न करने वाली एजेंसी कौन है, कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसको गवर्न करेगा। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आते हैं इसके अंदर, फॉरेन एक्सचेंज रिलेटेड है तो कौन गवर्न करेगा, मुझे जल्दी से टॉपिक्स चेंज करने के लिए मुझे बताइए कि इसको गवर्न कौन करेगा, जल्दी से बताइए। काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और ये फटाक से इसका आंसर आ जाना चाहिए मुझे, जल्दी से बताइए कि इसकी गवर्निंग बॉडी कौन सी है, कौन इसको गवर्न करता है, कौन सा बैंक करता है, इतना भी मैंने बता दिया, जल्दी बता दीजिए मुझे गवर्न कौन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, किसके अंडर लाई करते हैं। उस जब तक आप आंसर देते तब तक SBI, विकास ने बोला SBI, नहीं बिल्कुल नहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं, सब बैंकर्स बैंक, अगर मैं आपको और हिंट दूं तो बैंकर्स बैंक भी उसे बोला जाता है, सारे बैंक्स का बैंक, सारे बैंक्स का पापा जिसे बोला जाता है वो बैंक, उसकी बात हो रही है। जी बिल्कुल रूपाराम, भल्लाराम ने बिल्कुल सही बोला, RBI जो है वही इसे गवर्न करता है क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व काफ़ी बड़ा अमाउंट, जैसा कि आपने फिगर तो देख ही लिया, इतने हाई फिगर की यहाँ पे बात हो रही है, तो SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हाँ नो डाउट बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन बैंकर्स बैंक सारे बैंक्स का जो बैंक है, लैंडर्स बैंक जो भी आप इसको बोलना चाहें, RBI जो है वो इसको गवर्न करता है, वर्ल्ड बैंक भी नहीं। मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, इंडिया की जो गवर्निंग एजेंसी है फॉरेन रिजर्व की वो कौन सी है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बिल्कुल सही सही बता रहे हैं सब लोग।
एसएस टेक्नो ने बोला है वर्ल्ड बैंक, मैं इंडिया की स्पेसिफिकली बात करी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो इंडिया का है उसके ऊपर जो है गवर्निंग एजेंसी, गवर्निंग बॉडी वो है आरबीआई। ठीक है, सबका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं सीधे चौथे क्वेश्चन के ऊपर। आज के 10 क्वेश्चन है, हम लोग फोर्थ पे आ गए हैं, जल्दी जल्दी सेशन आगे बढ़ाते हैं। वुमेन T20 वर्ल्ड चैंपियन कौन सी टीम बनी, सबको पता होना चाहिए इसका आंसर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। दो टीम्स के बीच में फाइनल था जिसमें से एक इंडिया भी थी, वुमेन्स डे पे यानी 8 तारीख को ये ऑर्गेनाइज हुआ था, काफी अच्छा मैच चला था, लेकिन विनर टीम कौन सी रही थी वो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडिया के साथ में मुकाबला था लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया जो है हार गई थी, इंडिया की टीम हार गई थी। कितने रन से हारी थी, 85 रन से इंडिया की टीम हार गई थी। कौन सी टीम जीती मुझे वो बताइए कमेंट सेक्शन में। चार ऑप्शन है, इंडिया हट गए ऑलरेडी, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और श्रीलंका में से। जी हाँ बिल्कुल सही, फटाफट आंसर आने लगे सबके एक साथ। गणपतलाल, विशाल, पुष्पा, सबका बिल्कुल सही आंसर है, ऑस्ट्रेलिया इज दी करेक्ट ऑप्शन। ऑस्ट्रेलिया जो टीम है वो टीम जीती थी, वर्ल्ड चैंपियन बन गई T20 के अंदर विमेन्स टीम, और 85 रन से जो है उन्होंने ये मैच अपने नाम कर लिया था। बिल्कुल सही, सबका बिल्कुल सही आंसर, किसी ने भी गलत आंसर नहीं दिया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि 85 रन से जो है ऑस्ट्रेलिया टीम जीती थी। अगर हम T20 की बात करें तो मैं आपको पिछले दो सेशन के अंदर भी T20 के बारे में थोड़ा बहुत हिंट और हाइलाइट्स दे चुकी हूँ। आज भी अगर इसके बारे में बात करें तो 2009 के अंदर T20 की शुरुआत हुई थी, कौन से शहर से हुई थी, सॉरी कौन सी कंट्री से हुई थी, इंग्लैंड से। ब्रिटेन जो है उसने इसकी शुरुआत की थी, क्रिकेट भी नो डाउट इंग्लैंड के द्वारा शुरू किया गया है, तो T20 जो है उसकी शुरुआत भी 20 ओवर से हुई थी 2009 में। ये पूरा नया फॉर्मेट इंग्लैंड लेकर आया था 2009 में। ओके, कुछ लोग दुख भी जता रहे हैं इसके ऊपर, कोई बात नहीं, मैचेस है, चलते रहते हैं। ऐसा मत, विकास बोल रहा है विमेन टीम हमेशा हार जाती है, ऐसा नहीं है, आपको नेगेटिव नहीं होना चाहिए इसके अंदर, हमें अपनी टीम्स को हमेशा सपोर्ट करते रहना चाहिए, उनका काम ही है जीतना या हारना, तो मैचेस चलते रहते हैं, इसमें दुखी होने वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, हमें सपोर्ट करना चाहिए भले वो विमेन टीम हो या मैन टीम हो। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया 2009 में इसकी शुरुआत हुई, 10 टीम्स इसके अंदर खेलती है, 10 टीम का फॉर्मेट है ये, यानी 10 टीम्स के बीच में मुकाबला होता है। ठीक है, उसी के साथ साथ अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें जिसके ऊपर आप इतना दुख जता रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि 5 बार जो है ऑस्ट्रेलिया चैंपियन रह चुकी है, यानी काफी बड़ी बात है, 5 बार ऑस्ट्रेलिया जो है चैंपियन रह चुकी है, विमेन टीम चैंपियन रह चुकी है। उसी के साथ साथ जी हाँ बिल्कुल सही बता रहे हैं, विकास ने भी बता दिया ये चीज, 5 बार रह चुकी है, और सबसे ज्यादा अगर कोई टीम जीती है 5 बार जो कि ऑस्ट्रेलिया जीती है, और हाईएस्ट भी अगर किसी के पास में रैंकिंग है तो ऑस्ट्रेलिया के पास में ही है, 5 बार ये जो है रैंकिंग अपने नाम कर चुकी है। अगर इसके अंदर मोस्ट रन्स और मोस्ट विकेट्स कैटेगरी की हम बात करें, ये दो कैटेगरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि विमेन टीम में, विमेन जो टूर्नामेंट हुए हैं ये चैंपियनशिप के अंदर, सबसे ज़्यादा रन जो है आज तक किसने बनाए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया की ही नो डाउट वो प्लेयर हैं जिनका नाम है सूजी बेट्स। मोस्ट रन्स जो हैं वो इनके नाम हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सूजी बेट्स, और इनके जो है इनके पास में मुकाम है कि इन्होंने सबसे ज्यादा रन्स स्कोर किए हैं T20 के अंदर। अब की बार ट्रॉफी हमारी होगी, बिल्कुल पॉजिटिव वाइब्स रखिए अपने आसपास, इंडिया की टीम भी जीत सकती है, ऐसा कोई नहीं, हम लोग फाइनल में आए हैं यानी सेमी फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमने मैच खेला, तो ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि है टीम इंडिया के लिए, और 85 रन से हम लोग हारे हैं, नॉट अ बिग डील, नेक्स्ट टाइम हम लोग जीत भी सकते हैं। अगर मोस्ट विकेट्स की बात करें तो वो इंग्लैंड की खिलाड़ी के नाम है, इंग्लैंड की एक खिलाड़ी है जिनके नाम मोस्ट विकेट्स का अवार्ड जो है, मोस्ट विकेट्स का जो मुकाम है वो उनको हासिल हुआ है, जिनका नाम है आन्या श्रुबजोल नाम है उनका। ये इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं जिसने इसका फॉर्मेट शुरुआत की थी T20 की, इंग्लैंड की खिलाड़ी, मोस्ट विकेट्स इनके द्वारा लिए गए हैं। ये दो नाम इंपॉर्टेंट पूछे जा सकते हैं किसी भी एग्जाम में कि मोस्ट विकेट्स और मोस्ट रनर जो है, मोस्ट रन्स किसके द्वारा लिए गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया की टीम से। मीनाक्षी सरस्वत, गुड इवनिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।
हम लोग आ गए हैं फोर्थ क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर लिया है, उसी के साथ साथ मोस्ट विकेट टेकर और मोस्ट रन स्कोरर वो भी हमने डिस्कस कर लिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड टीम के थे, ऑस्ट्रेलिया हमारी विनर टीम। फोर्थ क्वेश्चन कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है, सीधे हेड ऑन करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन से, आज के सेशन का पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जल्दी से मैं पढ़ती हूँ, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए। WIPO क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की ऑर्गेनाइजेशन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में हम पिछली सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, पिछले कुछ सेशन के अंदर, फिर से मैं आपको बताऊंगी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड यानी इंटरनेशनल लेवल पे, उसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए, ये काफ़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी पैरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन, उसके अंडर आती है ये, उसी के साथ साथ इसके डायरेक्टर जनरल यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कौन है। आपके सामने चार ऑप्शन है, डैरन टैंग, कामिल इद्रिस, जॉर्ज या फिर फ्रांसिस, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको आइडिया है, इनके बारे में पढ़ चुके हैं आप, इसके बारे में पूछा जाता है क्वेश्चन। जी कृष्णा कुमारी ने बताया है कि बी ऑप्शन, मीनाक्षी सारस्वत भी बोल रही है बी, सबसे बड़ा नाम है इसका मतलब ये नहीं कि यही हो जाएगा, बट बी जो है वो गलत ऑप्शन है, बी गलत ऑप्शन है। SS टेक्नो का भी गलत है, गणपत लाल का भी गलत है, जल्दी से बताइए, तीन ऑप्शन बचे हैं, फ्रांसिस, कामिल या फिर डैरन, अभी भी ट्राई करते रहिए, इनमें से कोई ना कोई तो सही आंसर जरूर निकलेगा, आप तुक्के लगाते रहिए, मैं आपको सही आंसर बिल्कुल बताऊंगी। और कोई अगर आपको लग रहा है ऑप्शन, किसी को अगर करेक्ट आंसर पता है तो जल्दी से, मैं उसी का वेट कर रही हूँ ऑप्शन का, ए ऑप्शन बताया भल्ला राम ने, तो ए भी नहीं है, सॉरी सर ए नहीं है, दो ऑप्शन बचे, कामिल या फिर डैरन, मुझे जल्दी से बताइए कौन है सही आंसर, डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं WIPO, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ये, सी बता दिया, सिर्फ एक आंसर अभी तक सही है, ये सही आया है जो कि है मीनाक्षी सारस्वत का, जो अभी ज्वाइन हुए हैं आप तक उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दे दिया है, डैरन, जी हाँ बिल्कुल, डैरन टैंग जो है जो कि सिंगापुर के निवासी, सिंगापुर से ताल्लुकात रखते हैं वो, अभी डायरेक्टर जनरल के, डायरेक्टरेट जनरल जो है, डायरेक्टर जनरल जो है उसकी पोस्ट के ऊपर नियुक्त किए गए हैं WIPO के। अब हम इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और साथ ही साथ डैरन के बारे में बात करेंगे। 1967 यानी 14 जुलाई को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, 1967 के अंदर इसकी फाउंडेशन रखी गई थी, लोगो दिख रहा है आपको, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका लोगो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे। अगर इसके हम लोग हेडक्वार्टर की बात करें तो काफ़ी इजी आपके लिए याद रखना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं ऑलमोस्ट सबका जो है हेडक्वार्टर वो इसी कंट्री की इसी सिटी के अंदर लोकेटेड है, जो कि है जिनेवा स्विट्जरलैंड। मुझे आप कमेंट सेक्शन में ये बता सकते हैं कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में और किस किस ऑर्गेनाइजेशन के जो है हेडक्वार्टर्स, और कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं, अगर आपको आइडिया है एक दो के, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, पता होना चाहिए आपको, मुझे कमेंट सेक्शन में, जी हाँ WHO बता दिया मीनाक्षी ने, और अगर किसी का भी पता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें WIPO का, वो भी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ही है, यूनेस्को बता रहे हैं ये, ठीक है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। उसी के साथ साथ हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी है UN, यूनाइटेड नेशंस जो है वो इसकी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उसके अंडर ये ऑर्गेनाइजेशन लाए करती है। इसी के साथ साथ जो अभी हमने जिनकी बात की थी डैरन की, डैरन जो है वो सिंगापुर के निवासी हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड लेवल इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस वजह से इसके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी डायरेक्टर जनरल जो है वो हर कंट्री से बिलोंग कर सकते हैं, कि जो भी कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं उसमें से जो है नियुक्ति की जाती है, वहाँ के जो टॉप इकोनॉमिस्ट या फिर जो फाइनेंशियल पोजीशंस के ऊपर हैं, CFO पोजीशन के ऊपर हैं, उनको हम लोग लेते हैं इस पोजीशन के लिए जो कि डायरेक्टर जनरल है WIPO के लिए। तो इस बार सिंगापुर से इसका सिलेक्शन किया गया है, ऑस्ट्रेलिया साथ साथ अमेरिका अलग अलग कंट्रीज के डायरेक्टर जनरल पहले रह चुके हैं, फ्रांस के भी रह चुके हैं, इस बार जो है सिंगापुर से हैं डैरन टैंग, ठीक है जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हैं, जो भी कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर्स दे रहे हैं इसके बारे में, इसी मैं सिर्फ ये बताना चाहती थी कि जिनेवा स्विट्जरलैंड जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी, हेडक्वार्टर हब बोल सकते हैं इसको हम लोग, क्योंकि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में लोकेटेड हैं, जी बिल्कुल, आपने बहुत सारी रिसर्च कर ली इसी बहाने कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर है यहाँ पर, तो ये बहुत अच्छी बात है, हमारा जो है जो दिमाग है वो कंटिन्यू चलता रहना चाहिए, और हमारे जो मैप्स है रोड मैप्स वो बिल्कुल क्लियर होते रहने चाहिए, और
मेमोरी जो है इसी के साथ वर्क करती रहनी चाहिए, फंक्शन होता रहना चाहिए, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पुट ऑन किया था। ठीक है, हमने इसके बारे में जाना। WIPO जी, सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना था मुझे, तो मैं वो बता देती हूँ अब कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं? पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, अगर आपने इन सब के बारे में सुना है तो ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हिस्सा है। ये एक तरीके के राइट्स होते हैं, यानी कि अगर कोई कंट्री हमें कुछ चीज़ बेच रही है, जैसे आपने सुना होगा कि हम लोग जो दवाइयाँ हैं वो क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चर कर पाते अपनी कंट्री के अंदर, क्योंकि कोई दूसरी कंट्री उसको ऑलरेडी डेवलप कर चुकी है और वो जो टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट जो है वो उस कंट्री के पास में है। अगर अब हमें वो अच्छे से बनानी, उससे अच्छे लेवल पे भी हम बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें वहाँ से पेटेंट जो है उससे खरीदना पड़ेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो इस वजह से पेटेंट्स की जो लड़ाई है वो बहुत आम है, बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में चल रही है ऑलरेडी, बहुत सारी चीज़ों के अंदर, कि किसी दूसरी कंट्री का इनोवेशन था, उनका आइडिया था, लेकिन दूसरी कंट्री ने उसको डेवलप करके बेचना शुरू कर दिया, लेकिन पेटेंट दूसरी कंट्री के पास था। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और इनके लिए जो लड़ाई या जो भी इससे रिलेटेड मैटर्स होते हैं वो इसके इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर फॉल करते हैं। ये गवर्निंग बॉडी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो है WIPO। ये सारे ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इनसे रिलेटेड जो भी डिस्प्यूट्स हैं, मैटर्स हैं या जो भी चीज़ें हैं वो इसके अंदर लाई करती है। तो ये मेरे को आपको बताना था WIPO के बारे में। आई गेस आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं वो पता चल गए होंगे, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, इन सब के बारे में हमने छोटी क्लासेस में बिल्कुल सुना है, उसी से रिलेटेड है ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ नहीं है इसके अंदर इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, फिफ्थ क्वेश्चन भी कवर कर लिया। सीधे चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर। आज के सेशन का छठा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। जैसे कि आप मुझसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, इसी तरीके से बने रहे, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोगों को भी अच्छा लगता है, और आपका ज्ञान जो है, नो डाउट नॉलेज जो है वो बढ़ेगी। चैट करने से जो है ज्ञान बढ़ता है, उतना किसी भी मीन से नहीं बढ़ सकता। जितना आप बुक्स में पढ़ेंगे उससे बेटर है आप लोग डिस्कस करें। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है हमको, यूट्यूब के थ्रू हम लोग इंटरेक्शन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ सिक्स्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अपने दोस्तों से शेयर करते रहिएगा वीडियो, ताकि वो भी ऐड होते रहे। महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला लिया इन्होंने, क्या है वो? औरंगाबाद हवाई अड्डा था, यानी जो एयरपोर्ट था जिसका नाम था औरंगाबाद, उसको चेंज करके क्या कर दिया उन्होंने? चार ऑप्शन आपके सामने, इनमें से बताना है क्या नाम कर दिया है अब से। औरंगाबाद हवाई अड्डे का बदल के क्या नाम रख दिया गया है? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा रख दिया है, या फिर रख दिया है छत्रपति शिवाजी महाराज, या फिर छत्रपति तानाजी महाराज, या फिर है ताराबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा? तो एक आंसर आ गया है मुझे सी, गणपत लाल ने बोला है सी, तानाजी। तानाजी तो मूवी आई थी सर, ये नहीं रखा है नाम, तो सी ऑप्शन जो है वो गलत है। जस्ट किडिंग, मजाक कर रही हूँ, बिल्कुल सी ऑप्शन जो है मैं बता रही हूँ गलत है, कि तानाजी महाराज नाम का नहीं है वो। किसी ने बोला कि शिवाजी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी तो ऑलरेडी वहाँ पर है, ये हवाई अड्डा जो है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑलरेडी मुंबई के अंदर लोकेटेड है, सिचुएटेड है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। अब आपके सामने दो बचे, कुछ और ऑप्शंस आए हैं ए, काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं ए, गणपत लाल, कानाराम, भल्लाराम, और इसी के साथ साथ जी बहुत लोगों ने बोला है, देवसा ने भी बोला है ए, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। संभाजी, जो कि शिवाजी के बड़े पुत्र थे, इनके ऊपर काफ़ी बड़ी स्टोरी है, काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिक स्टोरी इनके बारे में अगर आप देखना चाहें तो, हिस्ट्री का ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इवेंट है इनसे रिलेटेड, और हाल ही में इनकी जो हमने दिवस भी इनके बारे में मनाया गया था, डेडिकेट किया था इनको। हाँ, जिनको भी इनके बारे में स्टोरी पता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है इनकी, हम सबको पता है उनके बारे में, जिनको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप उसके बारे में सर्च कर सकते हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है, और मैं रिकमेंड करूंगी कि आप उसको पढ़ें। उनके ऊपर बुक्स भी है काफ़ी सारी, उनकी हिस्ट्री के अंदर इनके बारे में बताया भी जाता है। हिस्ट्री के अगर आप हमारे सेशन अटेंड करेंगे तो बिल्कुल आपको इनके बारे में जानने का मौका मिलेगा, मैं अभी करंट के बारे में बताऊंगी सिर्फ आपको। तो जी हाँ, इनके नाम पर रख दिया गया है, औरंगाबाद का नाम चेंज करके इनके नाम से रख दिया गया, और वो जो नगर है, जो एरिया है, जो सिटी है, उसका नाम भी चेंज करके जो है अब से संभाजी रख दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया गया है, शिवसेना की जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा लिया गया है। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे चलेंगे हम लोग, थोड़ी बहुत बात करेंगे। जैसा कि संभाजी के बारे में मैंने आपको बोला हिस्ट्री से रिलेटेड है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ करंट से जो हमारे क्वेश्चन आएंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन मस्ट रीड है इनकी जो हिस्टोरिक इवेंट है इनसे रिलेटेड, बिल्कुल पढ़िएगा आप संभाजी के बारे में। ठीक है, जैसा कि महाराष्ट्र का जिक्र हुआ, हम हर लाइव सेशन में हमारे एक ना एक स्टेट को जो है कवर जरूर करते हैं। आज हमारे सामने सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर महाराष्ट्र का जिक्र हुआ है, तो महाराष्ट्र के बारे में हम लोग फिर से जानेंगे। पिछले जो दो तीन सेशन हुए थे उनमें से एक के अंदर हमने महाराष्ट्र के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा भी था। आज जो लोग नए ऐड हुए हैं और जो पुराने हैं
उनकी जो मेमोरी है उसको ब्रशअप करने के लिए, नॉलेज को ब्रशअप करने के लिए वापस से डिस्कशन करेंगे महाराष्ट्र का काफी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट स्टेट है महाराष्ट्र, काफी ज्यादा न्यूज के अंदर रहता है, यहाँ की काफी न्यूज जो है आती रहती है। अभी एट प्रेजेंट तो एमपी भी चल रहा है, अगर आपने सुना है, एमपी भी आएगा आगे, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एमपी से रिलेटेड न्यूज आप सबने पढ़ी ही होगी मेरे हिसाब से। जी हाँ बिल्कुल विशाल, या बिल्कुल विशाल, बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं, मुंबई कैपिटल भी बता दी इन्होंने, बिल्कुल सही बताया, मुंबई जो है कैपिटल है महाराष्ट्र की, माया नगरी जिसे बोलते हैं हम लोग, मुंबई कैपिटल है महाराष्ट्र की। उद्धव ठाकरे जो है यहाँ के सीएम, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हैं बलाराम, और विशाल ने आंसर दे दिया है कि सीएम जो है वो है उद्धव ठाकरे। गवर्नर बता दीजिए मुझे कौन है, गवर्नर पता हो तो, सीएम हम लोग सुनते रहते हैं बट गवर्नर मोस्टली किसी को नहीं पता होता है, तो गवर्नर पता है मुझे जल्दी बताइए। भगत सिंह जी, कानाराम ने बता दिया, भगत सिंह सरनेम क्या है, कोशियारी, भगत सिंह तो इजीली याद रख सकते हैं आप, कोशियारी इनका सरनेम जी। गवर्नर और सीएम डिस्कस कर लिए, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें उससे रिलेटेड हम लोग, जी बिल्कुल सही बता रहे हैं भलाराम, उसी के साथ साथ भाग्य सिंह कौन है, गणपत लाल भाग्य सिंह नहीं, भगत सिंह है वो, हाँ बिल्कुल सही। जतिन सुंगारा आप आंसर दे रहे हैं ए, बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, हम लोग थोड़ा आगे आ गए हैं टॉपिक, अब हम महाराष्ट्र के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जी हाँ, मैंने आपको पिछले कुछ सेशन में बताया था कि महाराष्ट्र जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है मुझे वो बताइए। ओके, इमोजीज भी भेजे जा रहे हैं काफी सारे यहाँ पे, आज के सेशन में काफी सारे इमोजीज भी आए, इंटरेस्टिंग है, मुझे अच्छा लग रहा है आप लोग इतना इंटरेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हाट, सबसे ज्यादा यहाँ पे किस चीज का प्रोडक्शन होता है महाराष्ट्र के अंदर, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए जल्दी से। मैं पिछले सेशन में ले चुकी हूँ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपने ढंग से क्लास अटेंड की थी तो आपको पता होगा। ओके, काफी सारी चीजें विशाल मुझे बता रहे हैं, बट मैं जो पूछ रही हूँ वो मुझे कोई नहीं बता रहा है। हाँ, देवसा ने भी स्थापना भी बता दी, ऑरेंजेस, ऑलिव डैश बता रहे ऑरेंजेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है मुझे वो बताइए। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर यानी पूरे के पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा इस चीज का अगर प्रोडक्शन होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में होता है। मैं अगर सीधे बताऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप अपने दिमाग के घोड़े घोड़े जो है उनको दौड़ाएंगे तो आपको जल्दी याद रखने में जो है आसानी रहेगी। दो तीन ऑप्शन आप बताएंगे फिर मैं आपको सही आंसर बताऊंगी, तो आपको हमेशा याद रहेगा वो कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किस चीज का है। अगर नहीं आ रहा है आंसर, किसी ने नहीं दिया, सब मराठी भाषा बहुत सारी चीजें बता रहे, बट मैं जो पूछ रही हूँ, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में गन्ने, जिसे हिंदी में बोला जाता है शुगर केन का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर शुगर केन का कहीं होता है इंडिया में तो वो है एमपी में। किसकी सरकार बनेगी मुझसे पूछा जा रहा है। अच्छा, मैं यहाँ पे डिप्लोमेट नहीं हूँ यहाँ इंडिया का, या फिर मैं पॉलिटिकल कोई लीडर नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, बट जो सिचुएशन है आप सबके सामने क्लियर है, किसकी सरकार गिर रही है बिल्कुल और किसकी बनने वाली है हमें पता है, इसका आइडिया है, बट मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे जो पूछ रही हूँ, मुझे कोई आंसर नहीं दे रहा, शुगर केन किसी ने नहीं बोला, लेकिन यहाँ पे पॉलिटिक्स की खूब सारी बातें हो रही है। एज अ स्टूडेंट हमें पॉलिटिकल कमेंट्स, मेरी एडवाइस है कि हमें नहीं करने चाहिए, क्योंकि अभी हम जिस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं उसी पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। तो शुगर केन हमारा आंसर, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है हमें महाराष्ट्र से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप इधर गौर फरमाइए। जी हाँ, सरकार गिर गई है, ओके, अपडेट्स देते जा रहे हैं देवसा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है, आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा किस सरकार गिर गई या फिर किसकी बन गई। जी हाँ, सीएम आपसे पूछे जा सकते हैं, वो हम जब बन जाएंगे तो हम डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, तो वहाँ का जो फेमस डांस है वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि फेमस डांस फॉर्म कौन सा है महाराष्ट्र का, किसी को आइडिया है तो मुझे बताइए। डांस फॉर्म जो है कल्चरली, अभी हम कल्चर से रिलेटेड कुछ चीज़ों की बात करेंगे, तो डांस फॉर्म सबसे पहले आता है, डांस फॉर्म कौन सा महाराष्ट्र का सबसे फेमस है जो कि सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र में ही परफॉर्म किया जाता है, बाकी सब जगह भी अब ये कल्चर शुरू हो गया, लेकिन जो बेस्ट परफॉर्मेंस जो होती है यानी महाराष्ट्र के अंदर जो वो उसकी क्या है इनिशियल जो स्टार्टिंग हुई थी वो स्टेट से हुई थी यानी महाराष्ट्र से हुई थी, आप मुझे वो बताइए। दो डांस फॉर्म है, मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी। ठीक है, विशाल पंचारिया और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन देते जा रहे हैं। ओके, जेएनवी न्यूज़, जय नारायण व्यास न्यूज़ जो है हमारी, वो भी काफ़ी अजीब सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रही है हमें। अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं डांस फॉर्म की, जो मुझे कोई नहीं बता रहा है। डांस फॉर्म मैं ही बता देती हूँ, लावनी डांस,
आपने सुना ही होगा, लावणी डांस काफी ज्यादा फेमस यहाँ का। उसी के साथ साथ एक और डांस है प्रेसिडेंट रूल, या बिल्कुल सही बता रहे हैं, प्रेसिडेंट रूल वहां पे इम्पोज हुआ था। लावणी के साथ साथ कोली डांस भी काफी फेमस। ये दो डांस फॉर्म स्पेसिफिकली महाराष्ट्र के काफी ज्यादा फेमस, जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी, महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत हुई थी इस डांस फॉर्म की। उसी के साथ साथ बर्ड सेंचुरी में यहाँ पे पूछ रही हूँ, मुझे जल्दी से बर्ड सेंचुरी बता दीजिए कि महाराष्ट्र स्टेट में कौन कौन सी बर्ड सेंचुरी है। दो बर्ड सेंचुरी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक तो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो बर्ड है, जो स्पीसी है, उसके ऊपर ये बर्ड सेंचुरी बनाई गई है। ये इनडेंजर्ड है बिल्कुल, इसकी जो प्रजाति है वो खत्म होने के कगार पर है, तो इनका संरक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए। उसी के साथ साथ मयानी, मयानी नाम से भी एक और बर्ड सेंचुरी है। फर्स्ट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और दूसरी हो गई डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। बर्ड सेंचुरी हमने दो डिस्कस कर ली यहाँ पर। उसी के साथ साथ नेशनल पार्क भी है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने नहीं पढ़ी, मैंने आपको बता दी दो, आप और भी इसके बारे में जानकारी यहाँ पर लेंगे हमारे साथ। नेशनल पार्क हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जो दो इंपॉर्टेंट हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क और उसी के साथ साथ पेंच, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संजय गांधी और उसी के साथ साथ पेंच, ये दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हो गए, जो कि कहाँ से रिलेटेड है, महाराष्ट्र से रिलेटेड। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी, ओके हाँ, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछूंगी जिसका आपको मुझे जवाब देना है, जो कि है क्वेश्चन ये है कि महाराष्ट्र के अंदर इम्पोर्टेंट पोर्ट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी पोर्ट है, सी पोर्ट का यानी बंदरगाह जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वो कौन सा बंदरगाह है। जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वो कौन सा बंदरगाह है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का काफ़ी ज़्यादा फेमस बंदरगाह है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि मुंबई का फेमस बंदरगाह जो है वो कौन सा है। अगर किसी को आइडिया है तो मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि बंदरगाह का नाम क्या है। ओके, मैं तब तक आपका वेट कर रही हूँ, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप ये बताइए, दूसरी बातें अभी छोड़िए, कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुंबई के अंदर यानी महाराष्ट्र में स्थित है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बंदरगाह जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते रहते हैं, और इंडिया की अगर हम बात करें और बंदरगाहों की अगर यहाँ पे बात करें यानी पोर्ट्स की अगर हम बात करें, तो उसके अंदर मुंबई का जो वो पोर्ट है, मुंबई पोर्ट ही नाम है एक, तो वो सबसे टॉप पर आता है, यानी कि मुंबई पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रेड के रिलेटेड, उसी के साथ साथ सिक्योरिटी से रिलेटेड और जो है डिफेंस मैकेनिज्म जो है उससे रिलेटेड भी अगर हम बात करें, ऑयल रिफाइनरीज की अगर हम बात करें, तो मुंबई का जो पोर्ट है वो सबसे टॉप पर जो आता है। उसी के साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर एक प्राइवेट पोर्ट भी है, प्राइवेट पोर्ट कौन सा है मुझे वो भी बताइए कमेंट सेक्शन में जी। गुड इवनिंग कृष्ण कुमारी, जो भी ऐड होते जा रहे हैं सबको गुड इवनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए इस लाइव सेशन को और अपने दोस्तों को यहाँ पर ऐड करिए, ठीक है। हमने आपसे पूछा कि जी हाँ, मुझे जल्दी से बताइए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ओके आंसर आते जा रहे हैं, तुलसीराम ने बोला JNP जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, विशाल ने भी आंसर दिया, बिल्कुल सही, आप लोगों की नॉलेज काफ़ी अच्छी है इससे रिलेटेड, जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ आप फटाफट आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हम लोग अब चलेंगे सीधे सातवें क्वेश्चन के ऊपर, मुंबई से रिलेटेड बहुत सारी बातें, महाराष्ट्र से रिलेटेड बहुत सारी बातें हो गई, अब आपके सामने क्वेश्चन है हॉकी से रिलेटेड, हॉकी स्पोर्ट जो है उसका इंडियाज प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है, किसको दिया गया है, दो मैन और वुमेन कैटेगरी में दिया गया है, किसको दिया है जल्दी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चार ऑप्शन है, फर्स्ट है मनप्रीत सिंह और रानी रामपाल, दूसरा है सविता और गुरिंदर सिंह, गुरजीत कौर या हार्दिक सिंह, या फिर सुनीता और विवेक सागर प्रसाद, इनमें से किसको जोड़ी में मिला ये, यानी कि वुमेन और मैन कैटेगरी दोनों के अंदर ये अवार्ड दिया गया है, इसलिए आपके सामने चार ऑप्शन है, बिल्कुल सही जवाब, कृष्ण कुमारी ने बहुत फटाफट इसका आंसर दिया है। ऑलिव डैश ने बोला है बी, लेकिन बी नहीं है, ए बिल्कुल सही आंसर। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि हमारी जो टीम है, तुलसीराम ने भी सही बोला है, इंडियन टीम है जो मैन और वुमेन की, उनके ये कैप्टन भी हैं अभी हाल फिलहाल, मनप्रीत सिंह जो है वो मैन टीम के कैप्टन है और रानी रामपाल जो है वो वुमेन टीम की कैप्टन अभी हाल ही में है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो हॉकी से रिलेटेड
ये काफी सारे जो अवार्ड्स है वो दिए जाते हैं, हम जो भी अवार्ड दे रहे हैं उसके बारे में हम लोग साथ साथ में डिस्कस करते रहते हैं। तो हॉकी का ये अवार्ड दिया गया जो कि हमने डिस्कस कर लिया। बैडमिंटन के अंदर अभी हाल ही में अवार्ड मिला है, मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, जो कि किसको मिला है बैडमिंटन के अंदर चैंपियन का अवार्ड मिला है उनको, किसको मिला है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। विमेन खिलाड़ी हैं, इंडियन महिला प्लेयर हैं ये बैडमिंटन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन है वो बैडमिंटन से रिलेटेड जिनको अभी अवार्ड मिला है और वो रैंक में फर्स्ट रैंक पे आई हैं इसके अंदर। जी कोई कह रहा है साइना नेहवाल, कृष्णा बोल रही है साइना नेहवाल नहीं है, साइना नेहवाल गलत आंसर है। तब तक मैं आपको बता देती हूँ, अपने थोड़ा दिमाग चलाइए या फिर आप किसी सोर्सेस से पता करना चाहते हैं तो वो भी करिए। बैडमिंटन के अंदर किसको फर्स्ट रैंक मिली है मुझे जल्दी से बताइए। तब अभी हम तब तक डिस्कस करते हैं कि हॉकी इंडिया जो फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है। जी सिंधु, पीवी सिंधु, बिल्कुल सही बताया तुलसीराम ने, पीवी सिंधु को अभी हाल ही में ये अवार्ड मिला है और पूरे वर्ल्ड के अंदर वो सेकेंड रैंक के ऊपर भी रह चुकी हैं। तो पीवी सिंधु के बारे में काफ़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन। और जो अगर हम बात करें कि कमाने के अंदर भी, यानी कि उनकी जो अर्निंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा है पीवी सिंधु की, तो ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि पीवी सिंधु को। ठीक है ठीक है ओके, आप लोग आंसर देते जा रहे हैं मुझे साथ साथ में, काफ़ी अच्छी बात है। हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे हॉकी इंडिया फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बारे में, जैसा मैंने आपको बताया, तो उनका नाम है मुश्ताक अहमद। मुश्ताक अहमद जो है हॉकी इंडिया फेडरेशन के हेड, मुश्ताक अहमद नाम है इनका, जिनके द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया गया था इन दोनों को, मनप्रीत सिंह और रानी को। ठीक है, ये हॉकी से रिलेटेड हमारी न्यूज़ हो गई, थोड़ा बहुत उसके बारे में ब्रश अप कर लिया हमने, दूसरे स्पोर्ट्स के बारे में भी बात हो गई जो इंपॉर्टेंट चल रहे हैं अभी। पीवी सिंधु जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप सब। सेवन्थ क्वेश्चन हमारा डिस्कस हो गया, अब बचे हैं हमारा एट्थ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 10 यानी 10 हमारे पूरे क्वेश्चन हैं, एट्थ क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन ये है कि SBI ने हाल ही में, SBI जिसने आंसर दिया था, ठीक है, SBI के ऊपर भी न्यूज़ आ गई है। SBI ने CFO की जो पोस्ट है यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उसी के साथ साथ डिप्यूटी MD, इन दोनों पोस्ट के ऊपर एक जो व्यक्ति है उनकी नियुक्ति की गई है। क्या नाम है उनका? चार ऑप्शन है आपके सामने, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। जी ओके, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती जा रही है हॉकी से रिलेटेड, बहुत अच्छी बात है। मुझे अभी ये बताइए कि हम लोग एट क्वेश्चन के ऊपर आ गए हैं, उसके बारे में भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेंगे कि SBI ने CFO और डिप्यूटी MD की पोस्ट के ऊपर किसकी नियुक्ति की गई है। चार ऑप्शन है आपके सामने, अगर आपने सुन रखा है इनके बारे में, ठीक है, बी बहुत लोग बोल रहे हैं कि बी ऑप्शन, और किसी ने बोला है डी और बी ऑप्शन आए हैं कृष्णा, राजकुमारी और तुलसी राम के, राजू कुमार सॉरी। तो बी और डी जो है वो दोनों सॉरी गलत ऑप्शन है, दोनों ही सही नहीं है, बचे ए और सी। अब मुझे जल्दी से बताइए कि ऑप्शन कौन सा सही है। डी गलत है, ए भी गलत है, यानी किसी ने मतलब बड़ा नाम तो सब इग्नोर ही कर देते हैं, या तो आपको बड़ा नाम दिखता है और या फिर बड़ा नाम हम लोग इग्नोर कर देते हैं। सी बिल्कुल सही आंसर है, कृष्ण कुमारी ने बोला है अब। ठीक है, चलसानी वेंकट नागेश्वर इनका नाम है जिनकी नियुक्ति की गई है डिप्यूटी MD यानी डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर भी। अगर SBI की पोस्ट की अगर हम बात करें तो कौन होंगे? वेंकट नागेश्वर जो हैं वो इस पोस्ट के ऊपर पदभार संभालेंगे। इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे हम लोग। CFO यानी होता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, जैसा कि मैंने आपको बताया। जी हाँ बिल्कुल सही आप लोग आंसर दे रहे हैं, सी आंसर जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ए नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें ये इसी के साथ साथ डिप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एक और ऑर्गेनाइजेशन के भी हैं जो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर जो बैंकिंग ग्रुप है। इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप के अंदर भी ये डिप्यूटी MD की पोस्ट पर है, और इसी के साथ साथ डिप्यूटी MD SBI के भी ये बना दिए गए हैं। तो ये दो जगह डिप्यूटी MD का पदभार संभाल रहे हैं, इंटरनेशनल बैंकिंग ग्रुप के अंदर भी ये डिप्यूटी MD की पोस्ट पर है। अब हम थोड़ा सा SBI के बारे में बात करेंगे, SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर है मुझे जल्दी से बता दीजिए कमेंट सेक्शन में कि SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। जी इंडिया के अंदर SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हो गई थी, 1 जुलाई 1955 को SBI की फाउंडेशन रखी गई थी। कहाँ पर रखी गई थी हेडक्वार्टर? जी बिल्कुल सही बताया, हाँ
राजकुमार डागी ने बिल्कुल सही आंसर बताया कि महाराष्ट्र, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर इसका हेडक्वार्टर स्थित है। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। काफी अच्छा इंटरेक्शन आज हम सबका हो रहा है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, उन्हें भी लाइव चैट का हिस्सा बनाइए ताकि वो भी अपना जो इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग पढ़ सके, करंट अफेयर्स की नॉलेज ले सके और इंटरेक्शन कर सके हम सबके साथ में। मुंबई बिल्कुल सही, विपुल ने भी आंसर दे दिया है। जी हाँ, मुंबई के अंदर हेडक्वार्टर है इसका और इसको पहले एक और नाम से जाना जाता था, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका बाद में नाम रखा गया, लेकिन इसको 90s के टाइम में इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। राजू कुमारी बोल रही कोलकाता, लेकिन कोलकाता गलत ऑप्शन है, गलत आंसर है, सॉरी, मुंबई इज द करेक्ट ऑप्शन। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से SBI का बोला जाता था। लेकिन बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया, 90s में इसको बोला जाता था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन अगर किसी को पता है, जी हाँ, राजकुमार डेगी ने आंसर भी दिया इंपीरियल बैंक, बिल्कुल सही। चेयरमैन अगर किसी को पता है, चेयरमैन काफी इंपॉर्टेंट, काफी सारे एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, आपको आइडिया होना चाहिए SBI के, काफी टाइम से ये चेयरमैन है, क्या है इनका नाम मुझे बताइए, और उसी के साथ साथ SBI के साथ साथ मुझे RBI के भी बताइए। RBI और SBI के हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, मुझे जल्दी से बताइए चेयरमैन कौन है SBI के, मैं ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप इसका आंसर दीजिए जल्दी जल्दी। चेयरमैन मैंने पूछे हैं RBI के और SBI के, अगर किसी को इन दोनों में से, दोनों आते हैं बहुत अच्छी बात, दोनों बता सकते हैं, एक आता है तो भी अच्छी बात है, जो भी आपको पता है इन दोनों के बारे में, इन दोनों के चेयरमैन के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, SBI और उसी के साथ साथ RBI। फिर हम सीधे चलेंगे 9th क्वेश्चन के ऊपर, हेड ऑन करेंगे हम लोग। शक्तिकांत दास बिल्कुल सही मुझे आंसर दिया है, राजकुमार डेगी ने RBI का बताया उन्होंने, शक्तिकांत दास, मैं बोर्ड पे लिख देती हूँ। ये काफी बेसिक क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर ना भी पूछा जाए, बट हमें बेसिक नॉलेज इसकी होनी चाहिए। यहाँ पे जो भी अपने रिव्यूज शेयर कर रहे हैं, आंसर शेयर कर रहे हैं, राजकुमार डागी ने साथ साथ SBI का भी बता दिया, बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी अगर आप अपना व्यू शेयर कर रहे हैं, आंसर शेयर कर रहे हैं, तो आपको तो वो याद रहेगा ही, साथ में जो पढ़ रहे हैं कमेंट सेक्शन उनको भी ये हमेशा के लिए याद हो जाना है। ठीक, राजू कुमार ने भी आंसर दिया, रजनीश कुमार बिल्कुल सही SBI के। चेयरमैन की यहाँ पे बात हो रही है, हमने SBI RBI दोनों के डिस्कस कर लिए, अब इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे, सीधे चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर। 9th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसका जवाब भी देते रहिएगा। बिमस्टेक की बात हो रही है, बिमस्टेक के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली कुछ क्लास के अंदर, फिर से आज उसके बारे में जानकारी लेंगे, जो भी नए ऐड हुए हैं उनको जरूरत है बताना बिमस्टेक के बारे में, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जो आज आपकी क्लियर करेंगे हम बिमस्टेक से रिलेटेड। तो उसका जो सम्मेलन है, समिट जिसे बोला जाता है, उसकी मेजबानी यानी होस्टिंग जो करेगा वो कौन सा देश करेगा अगले बिमस्टेक सम्मेलन की, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका या फिर नेपाल, चार ऑप्शन है, ये चारों जो है ये मेंबर कंट्रीज है बिमस्टेक। बिमस्टेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, क्या है फुल फॉर्म, कौन सी कंट्रीज आती है इसके अंदर, वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ओके, जी हाँ बिल्कुल सही, जो भी ऑप्शन में अपना जवाब दे रहे हैं यहाँ पर, काफी अच्छी बात है। मैं जो यहाँ पर सवाल पूछ रही हूँ वो है मेजबानी करने की, होस्टिंग करने की बिमस्टेक का जो सम्मेलन यानी समिट होने वाली है उसकी, ठीक है। चार ऑप्शन है, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और नेपाल, इनमें से क्या सही आंसर है? जी हाँ, मुझे जिसने भी ये इसका फुल फॉर्म बताया, बिल्कुल सही, राजकुमार डागी ने फुल फॉर्म भी बता दिया है, मुझे ये बताइए कि होस्टिंग कौन कर रहा है? नेपाल और इंडिया दो ऑप्शन आए और बांग्लादेश भी, तो तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। सही ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा श्रीलंका, जिसका किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं दिया, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, श्रीलंका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। श्रीलंका होस्ट करने वाला है नेक्स्ट समिट को, यानी जो सम्मेलन होने वाला है बिमस्टेक की, उसको ये होस्ट करेगा। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिल्कुल सही मुझे ये ऑप्शन में बताया है राजकुमार डेगी ने, बिल्कुल पूरा फुल फॉर्म बता दिया है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये बिल्कुल इसका सही फुल फॉर्म है, मैं बोर्ड पे भी लिख सकती हूँ यहाँ पर। इनिशिएटिव फॉर
यानी टेक्निकल, जिसके अंदर आपको वर्ड दिख रहा है यहाँ पर टेक्निकल, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक, यानी जो दो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर जो भी कॉपरेशन यानी आपसी सहमति और जो हेल्प देनी होती है उसके ऊपर ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कॉपरेशन। ये काफी बड़ा इसका फुल फॉर्म, लेकिन इसके अंदर काफी सारे सेक्टर्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। 14 मेन सेक्टर्स जो हैं उसके बारे में ये ऑर्गेनाइजेशन बात करती है। 14 मेन सेक्टर्स जो हैं वो इन कंट्रीज से रिलेटेड है, यानी इस कंट्रीज के अंदर कोई भी डिफिकल्टी अगर इससे रिलेटेड फेस करते हैं वो टेक्निकल इकोनॉमिक आपको फुल फॉर्म के अंदर ही दिख गया। लेकिन इसके साथ साथ ये बात यहीं नहीं खत्म होती, सिर्फ इस सेक्टर में नहीं, इसी के साथ साथ और 14 सेक्टर, 14 पॉइंट्स और है जिसके अंदर एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पोल्ट्री, काउंटर टेररिज्म जो कि काफी बड़ा इशू है, टेररिज्म से रिलेटेड जो इशू होता है उसे काउंटर टेररिज्म बोला जाता है, उससे लड़ने की जो टेक्निक है, इनिशिएटिव्स हैं जो लिए जा सकते हैं उसके ऊपर जो चर्चा होती है, मीटिंग्स होती है, वो सब इसके तहत, बिम्स्टेक के तहत ली जाती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि बिम्स्टेक के अंदर लाई करती हैं फॉर्म करती हैं, यानी इसके अंदर आती हैं, ठीक है। बिम्स्टेक के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बी से हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। साथ में लिखते रहिए मेरे साथ में, आई से क्या हो जाएगा, जो भी कंट्रीज हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आई से हमारी खुद की कंट्री यानी कि इंडिया, म्यांमार, और अब जो कंट्री इसको होस्ट करने वाली जो हमारा आंसर था श्रीलंका। दो ऐसी कंट्रीज है जो कि आपको यहाँ पर ऑप्शन में ई और सी से नहीं है, ऐसा नहीं कि आप चाइना लिख दें, ऐसा नहीं होगा, चाइना इसका पार्ट नहीं है, ई और सी से कोई कंट्री नहीं बन रही, लेकिन याद करने के लिए हम उसको नेपाल और भूटान का नाम दे सकते हैं। थाईलैंड, टी से थाईलैंड है, फिर है नेपाल और भूटान, लास्ट की दो कंट्रीज। ई और सी से नो डाउट शुरू नहीं होती, नेपाल और भूटान हम इजीली याद कर सकते हैं, हमारी बॉर्डर कंट्रीज है, नेबरिंग कंट्रीज है, लेकिन ये जो चार आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, चार पांच, पांच जो ऑप्शन है वो डायरेक्ट आप लोग रिलेट कर सकते हैं बी आई एम एस टी से। ई और सी हम याद कर लेंगे, नेपाल और साथ ही साथ भूटान, नॉट अ बिग डील, काफ़ी ईजी है इसको याद करना, सारी कंट्रीज कौन कौन सी इसके अंदर आती है। जो समिट्स, जो हमारा क्वेश्चन था कौन इसकी सबमिट करेगा, इसी के साथ साथ ब्रिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशन है इसके ऊपर कहाँ पर नेक्स्ट सबमिट होने वाली है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये पिछले CDS के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ब्रिक्स से रिलेटेड था, कि ब्रिक्स की अगली सबमिट कहाँ पर होगी। तो ऐसे क्वेश्चन आप ये ना सोचिए कि नहीं पूछे जाते, नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोगों को ये क्वेश्चन पढ़ने काफ़ी ज़रूरी है और ये पूछे जाते हैं कि अगली जो है समिट कहाँ पर, कौन से देश जो है उसकी होस्टिंग यानी कि मेज़बानी करेगा। तो ये इससे रिलेटेड हमने बात की। बिम्स्टेक की इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 6 जून 1997 को इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी। में इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। इसी की अगर चेयरमैनशिप की बात करें तो वो भी उसी कंट्री के पास में जो इसकी होस्टिंग करने वाला यानी कि श्रीलंका, श्रीलंका के पास में है। सितंबर 2018 से इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इसके पास में है। चेयरमैनशिप की यहाँ पे बात हो रही है इस ऑर्गेनाइजेशन की है, श्रीलंका के पास में 2018 से चेयरमैनशिप। अगर इसके हम लोग सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो वो है एम इस्लाम जो कि बांग्लादेश के निवासी हैं, बांग्लादेश से ताल्लुकात रखते हैं, वो है इसके सेक्रेटरी जनरल। एम इस्लाम जो है बांग्लादेश के निवासी हैं ये, और वो इसकी सेक्रेटरी जनरल है अभी एट प्रेजेंट। ये सारी कंट्रीज जो है उससे रिलेटेड ही इसके मेंबर्स होंगे, उसी के साथ साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसा कि सेक्रेटरी जनरल की बात की, वो इन्हीं कंट्रीज से जो है नियुक्त किए जाते हैं और वो ये चेंज होते रहते हैं। परमानेंट सेक्रेटोरिएट की अगर हम इसकी बात करें तो वो बांग्लादेश की जो राजधानी है वहाँ पर सिचुएटेड है। बांग्लादेश की राजधानी क्या है ये भी अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी, क्या है मुझे बताइए, जो कि इसका परमानेंट सेक्रेटोरिएट भी है। कौन सी सिटी के अंदर लोकेटेड है जो कि बांग्लादेश की राजधानी है, अगर आपको इसके बारे में पता है तो मुझे ये जल्दी से बताइए।
ठीक है, मुझे जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि बांग्लादेश की राजधानी क्या है जो कि इसका है परमानेंट सेक्रेटोरिएट। अगर आपको आइडिया है तो मुझे जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। वही इसकी है परमानेंट सेक्रेटोरिएट, वो जो सिटी है जो कि बांग्लादेश की क्या है, कैपिटल है। सबको पता होना चाहिए आंसर, अभी तक तो आ जाना चाहिए, मुझे इतना वेट ना कराएं, जल्दी से मुझे आंसर बताइए कि परमानेंट सेक्रेटोरिएट जो कि बांग्लादेश की कैपिटल है, क्या है वो सिटी, क्या नाम है। 14 मेन सेक्टर्स जो कि हमने, सबसे पहले देवसा का आंसर आ गया है, ढाका, बिल्कुल सही। ठीक है, जितना जल्दी आप लोग फास्ट टाइप कर सके उतना जल्दी कीजिए, आपका ही टाइम बचेगा, साथ साथ मेरा काम है आपसे क्वेश्चन पूछना और आपका काम है आंसर देना उसी क्वेश्चन का। ठीक है, ढाका बिल्कुल सही बता रहे हैं, देवसा। साथ ही बाकी लोग कहाँ हैं, इतना जल्दी जल्दी सब जवाब देते हैं, सब लोग कहाँ चले गए, जल्दी से मुझे आंसर देते रहिए साथ में, जितना फास्ट आप कर सके, ताकि हम लोग सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर सके। तो आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे अब, जो कि हमारा 10th क्वेश्चन है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, क्या है, किससे रिलेटेड है। विमेंस T20 फिर से आया, विमेंस T20 जिसकी हम लोग जीती कौन सी टीम थी, ऑस्ट्रेलिया जीती थी, उसका डिस्कशन हो चुका है। अब हमारे सामने क्वेश्चन है कि इसकी मेजबानी जो कि 2022 के अंदर वर्ल्ड कप होगा, T20 वर्ल्ड कप, मेजबानी यानी होस्टिंग इसकी कौन करेगा। बिम्स्टेक की हमने देख ली समिट की, श्रीलंका करने वाली है मेजबानी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप की कौन सा देश करेगा, चार देश है आपके सामने, भारत है हमारा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे, मुझे जल्दी से बताइए कौन सा देश मेजबानी करेगा। बिल्कुल सही जवाब आ गया है फटाफट से राजकुमार डेगी के द्वारा, राजकुमार डागी के द्वारा आ गया साउथ अफ्रीका। कृष्ण कुमारी बोल रही है डी और देवसा बोल रहे हैं भारत, तो डी यानी इंग्लैंड गलत है, भारत भी गलत है। सही आंसर है जो कि दिया गया है राजकुमार जी के द्वारा, जो कि है दक्षिण अफ्रीका। बिल्कुल सही आंसर, दक्षिण अफ्रीका जो है वो, साउथ अफ्रीका जो है वो मेजबानी करेगा नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप, जो कि ऑर्गेनाइज कब होंगे 2022 के अंदर। ये फैसला कब दिया गया, लास्ट जो फाइनल मैच हुआ उसके बाद में ये डिसाइड किया गया कि साउथ अफ्रीका जो है वो मेजबानी करेगा। अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे, हमारी जो कंट्री आई है हमारे सामने साउथ अफ्रीका, उसके बारे में जानेंगे। फ्लैग आपको दिख रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो फ्लैग आपको दिख रहा है वो है साउथ अफ्रीका कंट्री का। साउथ अफ्रीका काफी इंपॉर्टेंट कंट्री, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि कैपिटल हम लोग डिस्कस करते हैं हर कंट्री की, इसकी तीन कैपिटल है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भारत के अंदर कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जिसकी तीन कैपिटल्स हैं। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, आई गेस 3 या 4 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कि कौन सा स्टेट है और उसकी क्या कैपिटल है, अगर आपको वो भी पता है तो मुझे जरूर बताइए। मैं आपको बहुत बार इसके बारे में लेसन दे चुकी हूँ कि कौन कौन सी कैपिटल्स हैं, वो कौन सा स्टेट है जिसकी तीन कैपिटल है, एकमात्र राज्य भारत के अंदर जिसकी तीन कैपिटल है, कौन सा है वो राज्य और वो तीन कैपिटल कौन सी है। जी बिल्कुल सही जवाब, राजकुमार काफी फास्ट हैं आंसर देने में। एपी क्या, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं क्या आप, मुझे फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि एपी से दूसरा स्टेट भी है आंध्र प्रदेश। बिल्कुल सही, फुल फॉर्म बताया है कृष्ण कुमारी ने, आंध्र प्रदेश करेक्ट ऑप्शन। और क्या है वो तीनों कैपिटल्स, मुझे वो भी बताइए। तब तक मैं आपको सामने लिख देती हूँ कि साउथ अफ्रीका की कौन कौन सी कैपिटल्स हैं। प्रिटोरिया पहली कैपिटल है, जो कि है प्रिटोरिया यहाँ की पहली कैपिटल। उसी के साथ साथ केप टाउन जो है वो दूसरी कैपिटल बन गई। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन है, आप मुझे जो सही आंसर बताएगा, तीनों कैपिटल के नाम बताएगा, वो सबसे ज्यादा होशियार आज के सेशन का, जिसको वो तीनों याद है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ, अब याद होना चाहिए। आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही ऑप्शन, सब आंध्र प्रदेश बता रहे हैं। अब मुझे अब जो नया आंसर है वो ये है कि तीनों कैपिटल के नाम क्या है वो बताइए, आंध्र प्रदेश की तीनों कैपिटल क्या है, आराम से टाइम लेके तीनों बताइए। कमरावती नहीं है वो, अमरावती कहते हैं उसे जी। मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है सर, अब तेलंगाना का हिस्सा है हैदराबाद, लेकिन 10 साल तक उसे हैदराबाद को आंध्र प्रदेश का पार्ट भी रहना है। केप टाउन बिल्कुल सही बताया मुझे विशाल ने इसका आंसर कि केप टाउन दूसरी हो गई। मुझे आंध्र प्रदेश की बताते रहिए साथ में, एक तो है विशाखापट्टनम, मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, अमरावती, विशाखापट्टनम हो गई और कुरनूल तीसरी। ठीक है, तीन जो है कैपिटल्स मैंने आपको बता दी, विशाखापट्टनम, अमरावती और कुरनूल, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप लोग। ठीक है, केप टाउन हो गया, उसी के साथ में है जो तीसरी है वो है ब्लोइम
फॉन्टेन, ब्लोमफॉन्टेन नाम से जो है तीसरी जो कि जुडिशरी कैपिटल है साउथ अफ्रीका की। बिल्कुल सही, तीनों आंसर बता दिए हैं राजकुमार डेगी ने। बिल्कुल सही, शॉर्ट एंड प्रिसाइज तीनों आंसर टाइम टू टाइम दे रहे हैं। बिल्कुल सही, ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ में। अब जो तीसरा मैं आपको बता रही हूँ वो है ब्लोमफॉन्टेन। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फॉर्म में है। तो सबसे पहले प्रिटोरिया जो है वो एग्जीक्यूटिव, हाँ बिल्कुल सही, देव साहब ने भी हिंदी में लिख के बताया, बहुत अच्छी बात। प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव कैपिटल है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल जो है वो प्रिटोरिया हो गई यहाँ की, उसी के बाद में लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। ठीक है, जुडिशरी ब्लोमफॉन्टेन, जुडिशरी और केप टाउन हमारी लेजिस्लेटिव कैपिटल है साउथ अफ्रीका, यानी साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसी की तीन कैपिटल्स इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। जैसे कि हमारी न्यू दिल्ली एक अकेली एकमात्र कैपिटल, वैसे अफ्रीका की तीन कैपिटल्स हैं जो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। बिल्कुल सही राजकुमार ने इसके भी आंसर दे दिए हैं तीनों साथ में, बहुत अच्छी बात। आप लोग एक साथ अगर आप आंसर दे रहे हैं हमारे लिए भी ईजी होता है पहचानना और टेंथ क्लास का पूछें। ओके, राजू कुमार ने एक एडवाइस दिए, टेंथ कुमार का पूछा जो मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली, बट बिल्कुल सही आप लोग आंसर देते जा रहे हैं साथ में, आपकी नॉलेज जो है नो डाउट इंक्रीज हो रही है इससे। उसी के साथ साथ अब हम यहाँ के प्रेसिडेंट और डिप्यूटी प्रेसिडेंट भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट की अगर हम यहाँ पर बात करें तो प्रेसिडेंट है यहाँ के कायरल, कायरल नाम है यहाँ के प्रेसिडेंट का। यहाँ पे दो पोस्ट है, यहाँ पे पीएम की पोस्ट नहीं है, प्रेसिडेंट के बाद में सीधे है यहाँ पे डिप्यूटी प्रेसिडेंट। ठीक है, डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर यहाँ पर डेविड मबूजा जो है नियुक्त है। डेविड मबूजा जो डिप्यूटी प्रेसिडेंट की पोस्ट पर नियुक्त है साउथ अफ्रीका के। ठीक है, अच्छा मेरे को अंग्रेजी में नहीं आता इसलिए हिंदी में लिखते हैं देव साहब, मुझे कोई तकलीफ नहीं, आप हिंदी में लिखें या इंग्लिश में लिखें, आप बस इंट्रैक्शन करते रहिए, सही आंसर देंगे हिंदी में होगा इंग्लिश में फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में आते हैं। ठीक है, हाँ मैं मैडम, ठीक है आप लोग इंट्रैक्शन करते रहिए आपस में और साथ में जवाब भी देते रहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए आपसे। करेंसी की अगर हम बात करें तो वो है साउथ अफ्रीकन रैंड, साउथ अफ्रीकन रैंड जो है वो करेंसी है साउथ अफ्रीका की, साउथ अफ्रीकन रैंड बोला जाता है करेंसी को साउथ अफ्रीका की है जो। ठीक है, करेंसी भी हमने डिस्कस कर ली और उसी के साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थी अफ्रीका के बारे में, जो कि होस्ट करने वाली है वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो होगा नेक्स्ट 2022 के अंदर, कहाँ पर होगा, साउथ अफ्रीका में, जो कि आपको फ्लैग यहाँ पर दिख रहा है। साउथ अफ्रीका से रिलेटेड सारी डिटेल आज हमने कवर की, साथ ही साथ महाराष्ट्र की भी काफ़ी बात की, आंध्र प्रदेश के बारे में आपने खुद ने मुझसे इंटरेक्ट करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, बहुत अच्छी बात जो आप हमारे साथ में बने हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, लाइव सेशन में हैं, अपने दोस्तों को लेकर आए। आज मुझे काफ़ी सारे नए लोग दिखे जिन्होंने काफ़ी सही आंसर भी दिए हैं। इसी तरीके से रोज़ जुड़े रहिएगा, मैं रोज़ आपका नाम भी अनाउंस करूंगी, क्योंकि अगर आपको आंसर आता है तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छी प्राउड की बात है कि आप लोग रोज़ बन रहे हैं और सीख भी रहे हैं साथ में। अगर आपको लाइव सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर वीडियो लाइक कीजिएगा, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शेयर कीजिएगा, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, उनको इन्फॉर्मेशन ग्रास्प करवा सके, यानी जो उनके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उससे उनको हेल्प मिल सके, यही हमारा मेन मोटिव है, उद्देश्य है हमारे चैनल का। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपना करियर गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें अगर वीडियो अच्छी लग रही है। आज के 10 जो हैं क्वेश्चन कवर हो गए, इसलिए मैं ये बातें आपसे कर रही हूँ एक्स्ट्रा बातें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिशा अवस्थी रोज़ आपके लिए करंट अफेयर्स के 10 से 12 क्वेश्चन लेकर आएगी, या जो भी डेली हैपनिंग्स हैं, आज हमने लास्ट 3 डेज के डिस्कस कर लिए, जो भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे आपके लिए लेकर आ गए विद सम स्टैटिक जीके क्वेश्चन। आपको हर कोई पढ़ा सकता है लेकिन स्टैटिक जीके जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू मी स्टैटिक जीके से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। अगर हेल्पफुल लग रही है वीडियो तो ज़रूर, जी हाँ बिल्कुल, राजकुमार बोल रहे हैं मुझे एडवाइस दे रहे हैं कि थोड़ा इंप्रूव करें, बिल्कुल मैं इंप्रूव करेंगे आपको, जो हर वीडियो के अकॉर्डिंग इम्प्रूवमेंट जो है हमारे दिखता रहेगा। एंड आई होप आप बने रहें इसी तरीके से, प्यार जो है देते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई दिशा अवस्थी साइनिंग आउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।